हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप? गाइस आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि गाइस आज मैं आपको जो भी मतलब गाइस मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अभी मेरी जो पहली साइकिल स्टार्ट होने वाली है, अब मेरी कम्प्लीट साइकिल मैं आज आपको दिखाऊँगा कि कम्प्लीट साइकिल में मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट साइकिल है मेरी गेनिंग की साइकिल। गेनिंग मुझे ऐसी भी नहीं करनी कि मेरी बॉडी में फैट आ जाए, पर गाइस मैं गेनिंग करूँगा, लीन मास आए बिल्कुल एकदम क्लीन, मसल्स ही मसल्स ग्रोथ होगी। अगर 8-10 केजी मसल्स बढ़ गया तो बहुत ही अच्छी बॉडी हो जाएगी। वैसे आपकी बॉडी, भाई की बॉडी बहुत ही प्यारी है। और गाइस मैं थोड़ा थाई पे मेरे को ज़्यादा काम करना है, लेग्स का वर्कआउट ही ज़्यादा आज करूँगा, थोड़ा लेग्स का वर्कआउट भी डाल दूंगा। पर गाइस आज का जो मेन टॉपिक है ना, तो देखो गाइस हर बॉडी बिल्डर साइकिल यूज़ करके ही बॉडी बिल्डर बनता है। तो गाइस मैं आज मैं साइकिल अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ आज से, मतलब हो गया उसको, मैंने फर्स्ट डोज उसकी ले चुका हूँ, आज सेकंड डोज लूँगा। पर मैंने इससे मेरी पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको लमसम दिखाया था कि मैं कौन कौन से शॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। पर आज मैं कंप्लीट साइकिल दिखाऊंगा कि इसमें कौन सी टैबलेट है, कौन सा प्रोटीन है, क्या क्या मैं उसमें यूज़ करने वाला हूँ, क्या क्या डाइट रखूँगा, मैं आपको सब बताऊँगा। तो गाइस जो आज की वीडियो है इसलिए बहुत ही खास होने वाली है। तो गाइस मैं ये नहीं कहता कि आप जो भी मैं कर रहा हूँ आप इसको देख के सेम चीज़ फॉलो करें, ऐसा गाइस बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपके लिए ये अनहेल्दी हो सकता है। क्योंकि बॉडी का हिसाब है, मेरे को वर्कआउट करते हुए 10 साल हो गए। अगर आप अपने स्टार्ट करा तो आप ये चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। आपको अगर कुछ करना है तो अपने अच्छे कोच से डिस्कस करके ही करें, क्योंकि मेरे को देख के आप ये सब यूज़ मत करना गाइस। तो गाइस जो सबसे पहली मैं आपको दिखाऊँगा, मैं जो स्टेरॉइड का इंजेक्शन में यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरे एक गाइस ये बोल्डी, और ये है टेस्ट ई। तो दो इंजेक्शन मिक्स करके मैं हफ्ते में दो बार लगा रहा हूँ, यानी कि 250 mg आज और 250 mg दो तीन दिन के बाद। तो फिर ये गाइस होगी बोल्डी और टेस्ट ई, मतलब एक इंजेक्शन 250 mg का है, दोनों मिला के 500 mg हो जाता है। तो 1000 mg मेरी हफ्ते के अंदर बॉडी के अंदर जा रहा है। बोल्डी और टेस्ट ई इन दोनों के काम ही गेनिंग के हैं, ये लीन मास हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं। बट गाइस हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें डाइट को भी अच्छा रखना चाहिए। तो डाइट के बारे में बताऊंगा अभी मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस फर्स्ट चीज़ मेरी ये है। तो गाइस जो सेकंड में मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, मैं ये वाला ये है पॉल का ग्लूटामाइन। तो गाइस इसको मैं 2 टाइम यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं अभी वर्कआउट करूँगा तो अभी वर्कआउट के बाद इसको लूँगा, और अगर नाइट में वर्कआउट करूँगा तो सोने से पहले इसको एक स्कोप लेके सो जाऊँगा, रिलैक्स हो जाता है तो नींद भी अच्छी आती है इसको लेने के बाद। तो गाइस ये 2 चीज़ हो गई, इंजेक्शन और ग्लूटामाइन, ठीक है। जो तीसरी आइटम है मैं इसको यूज़ करता हूँ फिश ऑयल। तो फिश ऑयल मैं वर्कआउट से पहले यूज़ करता हूँ, कि ये अलास्का का फिश ऑयल है, फेमस है, आप देख सकते हो ये। तो गाइस ये अलास्का का फिश ऑयल है, इसको मैं 2 सुबह और 2 शाम को, 4 टैबलेट में इसकी डेली यूज़ कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइस ये हो गया। और अब आ गई जो मेरी तीसरी चौथी आइटम है। तो क्या जो नेक्स्ट है वो है एनावर टैबलेट। ये भी हमारा लीन मास गेन करने में हेल्प करती है। तो गाइस मैं 1 टैबलेट डेली अभी एनावर की यूज़ कर रहा हूँ, वर्कआउट से पहले लेता हूँ इसको 1 एनावर को। और गाइस जो नेक्स्ट है और ये है क्लीन, इसको बोलते हैं क्रीमिट्रोल, क्लीन टैबलेट है। तो गाइस इसको मैं वर्कआउट से पहले 1 यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस ये तो हो गई। और गाइस मैं प्रोटीन यूज़ करता हूँ, कोई भी वे प्रोटीन यूज़ में भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई सा भी हो सकता है वो, मसल बीस का मतलब, कोई बहुत सारे प्रोटीन है, कोई भी आप अगर यूज़ करना चाहो तो वे प्रोटीन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो गाइस ये हो गया, ठीक है। और साथ में गाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है मल्टी विटामिन। तो गाइस मल्टी विटामिन, अगर मल्टी विटामिन आप यूज़ नहीं करते तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, कि मल्टी विटामिन हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करती है। इसको हमें हर जो भी, अगर हम साइकिल नहीं चला रहे, वर्कआउट कर रहे हैं, ओनली वर्कआउट कर रहे हैं, तो भी हमें इसको यूज़ करना चाहिए। आपको ही बोल रहा हूँ, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं मल्टी विटामिन को, बेफिक्र होके, बहुत बेस्ट चीज़ है। तो भाई देख सकते हैं मल्टी विटामिन में ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी मैं 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम, 2 टैबलेट मैं डेली यूज़ करता हूँ। तो गाइस अभी हो गई है 5-6 आइटम हो गई मेरे साइकिल में। तो गाइस साथ साथ मैं प्री वर्कआउट भी यूज़ करता हूँ। प्री वर्कआउट कौन सा यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाया था पहले वाली वीडियो में। तो गाइस प्री वर्कआउट, तो गाइस करीब ये 6-7 आइटम मिला के एक साइकिल बनती है।
तो गाइज जो मेरी फर्स्ट साइकिल है वो ये है और इसमें इससे मेरा लीन मास गेन होगा। तो गाइज एक चीज़ का मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी मेरे को देख के किसी भी चीज़ को यूज़ मत करना। हाँ, इसमें कुछ कुछ आइटम है जो आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो अगर वर्कआउट करने जा रहे हो, जैसे कि मैंने आपको मल्टीविटामिन दिखाई यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फिश ऑयल दिखाया यूज़ कर सकते हो नो प्रॉब्लम, ग्लूटामाइन दिखाया यूज़ कर सकते हो नो प्रॉब्लम। तो गाइस ये कुछ आइटम है जो आप डेली बेस पर यूज़ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो 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 एडवांस चीज़ है उसको आप अपने अच्छे कोच से, अच्छी जिम में जाएँ, अच्छा उसका नाम होना चाहिए कोच का, उसने कोई चैंपियनशिप खेली हो तभी उसके पास जाएँ, वरना अदरवाइज़ कोई भी जिम खोल के बैठा है उसको कुछ पता ही नहीं है, उसकी खुद की बॉडी नहीं है तो आपकी क्या बनवाएगा, सीधी सीधी बात है। अगर उसकी खुद की बॉडी है तो उसने सब चीज़ यूज़ कर रखी है, उसको मालूम है कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स, क्या फ़ायदे हैं। तो गाइस मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे अच्छे कोच के बच जाएंगे आप, तो आपको तभी समझ में आएगा कि अच्छी बॉडी कैसे बनती है। गाइस ये थी मेरी साइकिल जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, उसमें 6-7 आइटम मिला के मेरे को यूज़ करना पड़ता है, और जो जो आप इसमें आइटम ले सकते हो मैंने आपको बता दिया है वो बस। बाकी गाइस अभी मैं लेग्स का वर्कआउट करूँगा तो उसी वीडियो लेग्स ही भी डाल दूंगा। गाइस तो वीडियो कैसी लगती है आप जरूर बताना। गाइस देखो बॉडी बनाना कोई आसान बात नहीं है गाइस। और हाँ, एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, आप सप्लीमेंट स्टोरेज जो भी कुछ भी एनी थिंग कोई भी सप्लीमेंट कुछ भी बॉडी बनाने का यूज़ करते हैं तो उससे आपकी बॉडी नहीं बनती, ठीक है। उसको जो भी वो सप्लीमेंट है स्टोरेड है उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है ना तो आप कुछ भी कितना भी महंगा से महंगा सामान खरीद लें आपकी बॉडी में रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपकी डाइट अच्छी है ना तो आप सस्ती आइटम भी खरीद के अगर आप बॉडी पर यूज़ कर रहे हो तो वो आइटम आपकी डाइट को मसल में लगाएगी। तो गाइस डाइट का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। अब मैं इतना सारा सामान यूज़ कर रहा हूँ और मैं कुछ खाऊँ ही नहीं, डाइट नहीं लूँ तो ये किस काम का, किसी भी काम का नहीं है, कुछ फ़र्क ही नहीं आएगा इससे। अगर मैं इसको लेने के बाद डाइट अच्छी रखता हूँ तो गाइस 100% मेरी बॉडी बनेगी, कोई नहीं रोक सकता उसको बनने से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाइस आप डाइट पर पूरा फोकस दें, अच्छे से खाएं। मेरा भी चल रहा है सुबह बॉइल 10 अंडे, ठीक है, दोपहर को आधी किलो चिकन, ठीक है, शाम को फिर 10 अंडे, फिर रात को आधी किलो चिकन, यानी कि 1 किलो चिकन 20 अंडे मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ अभी। और बाकी राइस और दाल वगैरह, सैलड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ये सब अलग है। तो गाइस डाइट तो अच्छी लेनी ही पड़ेगी तभी आपका मसल्स ग्रोथ होगा, डाइट अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये आप वर्कआउट पे ध्यान दें अच्छे से और डाइट को ही फॉलो करें तो आपकी बॉडी 100% बनेगी गाइस। तो गाइस जो मेरी ये साइकिल है ना ये पूरा पूरा मंथ चलेगी, 1 मंथ की मेरी साइकिल है, उसके बाद मैं चेंज करूँगा और वो उसके बाद साइकिल क्या होगी वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आप 3 महीने के अंदर देखोगे मेरी बॉडी बिल्कुल स्टेट लेवल की हो जाएगी, जो मैं स्टेट पर चैंपियनशिप खेलूँगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा गाइस। तो पहली साइकिल दिखा दी, नेक्स्ट भी दिखाऊंगा, उसके अगली भी दिखाऊंगा गाइस। और हर साइकिल के बाद थोड़ा थोड़ा सामान चेंज होता रहता है, सेम ये नहीं आएगा कुछ और आएगा, तो जो आएगा मैं आपको दिखा दूंगा गाइस। अब जाके वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
गाइस लेग्स का वर्कआउट मेरा हो चुका है अब कंप्लीट, और मैं अब जाऊंगा घर, घर जाके डाइट लूंगा मैं, हाफ के जी बॉयल चिकन और थोड़े से राइस। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, कमेंट करके बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो ना दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप मेरी जो वीडियो है ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता था इसलिए मैंने बता दिया, पर आप कोई भी भाई मेरा इसका मिस यूज़ ना करें, कुछ भी लेने से पहले अपने कॉल से डिस्कस कर लें। और मैंने आपको कुछ आइटम बताई है जो आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप डेफिनेटली यूज़ करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी स्टोरेज से आप जब तक आपको कोई गेम नहीं खेलनी, गेम की तैयारी नहीं करनी, कॉम्पिटिशन कंप्लीट नहीं करना, तो आप इससे दूर ही रहें। अगर आपका ड्रीम है अच्छा बॉडी बिल्डर बनना तो आप अपने कोच से डिस्कस करके ही इसको यूज़ करें, अदरवाइज वरना इससे दूर रहें। अच्छा खाएँ और जिम जरूर जाएँ। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना, बाय बाय।